गाइज अक्टूबर मंथ यानी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त डील देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि आपको एक लैपटॉप बाय करना है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लैपटॉप्स की जो आप 30,000 से कम के प्राइस बजट में कंसिडर कर सकते हैं। गाइज आई नो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का शुरुआती बजट 25 से 30,000 का ही होता है। इवन मैंने खुद इसी प्राइस बजट में अपना लैपटॉप बाय किया था और अभी भी उसे यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप एक ऐसा ही लैपटॉप चाह रहे हैं जो आप घर के यूजर्स में काम में ले सके या फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए चाहिए, कैजुअल बिजनेस यूज, स्टडी, वीडियो एडिटिंग या फिर नॉर्मल गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स अंडर 30,000 जो आप इस फेस्टिवल सीजन में बाय कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी लैपटॉप्स के कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ जिससे आप लोगों को डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और वीडियो भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। और ये वही कॉमन फीचर है जो आप एक लैपटॉप बाय करते टाइम कंसिडर करते हैं। सो गाइज, ये सारे लैपटॉप विंडो 10 के इंटीग्रेशन के साथ में आते हैं, 1 TB का हार्ड ड्राइव ऑफर करते हैं, स्क्रीन साइज 15.6 इंचेज का है, फुल HD+ रिजोल्यूशन के ऊपर। सभी लैपटॉप्स में आपको इंटेल 620 का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, साथ में HD वेबकैम का फीचर और 3 USB पोर्ट जहां पर 2 पोर्ट 3.0 के साथ और 1 USB पोर्ट 2.0 वर्जन के साथ में देखने को मिलता है, साथ में एक सिंगल HDMI पोर्ट। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 का लैपटॉप आता है ASUS की तरफ से Vivo Book 15, जहां पर आपको Intel i3 7 Gen का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 2.3 GHz पर क्लॉक करता है, 4GB LPDDR4 RAM के साथ में 1.9 kg का काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है। ये लैपटॉप आपको 6 hours का बैटरी बैकअप बड़े ही आराम से दे देगा। इस लैपटॉप को आप 30,000 के प्राइस बजट में परचेज कर सकते हैं। गाइज, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और पसंद आए तो खरीद भी सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो लैपटॉप है ये बेस्ट फीचर लैपटॉप्स है, तो प्राइस आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, बट ऑफर में आप इन्हें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर बाय कर सकते हैं। अब गाइज आते हैं लिस्ट के चौथे नंबर के लैपटॉप पर जो आता है लेनोवो की तरफ से, आइडियापैड S145, जहां पर आपको इंटेल i3 8 जेन का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि मैक्सिमम 3.9 GHz पर क्लॉक करता है, 4GB LPDDR रैम देखने को मिलती है। यह लैपटॉप 1.85 kg वेट के साथ में आता है जो कि अगेन काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है। और बैटरी की अगर बात करें तो ये लैपटॉप आपको 5 से 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े ही आराम से प्रोवाइड कर देगा। इस लैपटॉप को आप अराउंड 28,000 के प्राइस बजट पर बाय कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नंबर 3 लैपटॉप जो आता है डेल की तरफ से, इंस्पिरॉन 3567, जहां पर आपको इंटेल i3 7 जेन का प्रोसेसर दिया गया है जो 2.3 GHz पर क्लॉक करता है, 4GB LPDDR रैम देखने को मिलती है और मेटेलिक फ्रेम के साथ आने की वजह से इस लैपटॉप का वेट लगभग 2.5 kg के करीब देखने को मिलता है। अगर बात करें बैटरी बैकअप को लेकर तो ये लैपटॉप आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा। इस लैपटॉप को आप 28,000 रुपये के प्राइस बजट पर बाय कर सकते हो। गाइज अब बात करते हैं लिस्ट के सेकेंड नंबर लैपटॉप की जो अगेन आता है लेनोवो की तरफ से, आइडियापैड 330, जहां पर आपको इंटेल i3 7 जेन का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 2.3 GHz पर क्लॉक करता है, साथ में 4GB LPDDR रैम देखने को मिलती है, बट सैड थिंग कि आप इसे एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो ये जो लैपटॉप है ये आपको 5 से 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा और जो प्राइसिंग है वो लगभग 27,000 रुपये के करीब देखने को मिलती है। गाइज वन मोर थिंग, इन लैपटॉप्स का जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है उसके लिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फ्लिपकार्ट और अमेजोन स्टॉक अवेलेबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर से देख लेना। बाकी बात करेगा लिस्ट के नंबर 1 लैपटॉप के बारे में तो वो आता है HP की तरफ से, HP 15, जहां आपको इंटेल i3 7 जेन का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 2.4 GHz पर क्लॉक करता है, 4GB LPDDR रैम देखने को मिलती है जिसे आप अप टू 16GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लैपटॉप लगभग 2 kg के बराबर है और अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो इस लैपटॉप के साथ आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप ईजिली देखने को मिल जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो आप इस लैपटॉप को काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकते हैं। इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो लगभग 30,000 रुपये के करीब देखने को मिलता है, सो आप इन्हें बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब गाइज जैसा कि आप जानते हो कि GST रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो 30,000 के प्राइस बजट में आप लोगों के पास काफ़ी कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ताकि 30 से 40,000 के प्राइस बजट में भी बेस्ट लैपटॉप डील्स में आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, बट रीजन कमेंट्स में जरूर से बता देना। सो आई विल टेक इट एज अ फीडबैक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।